तो आज हम जानेंगे दोस्तों रुदंती कल्प के बारे में, ठीक है। तो रुदंती कल्प की पहचान कैसे करना है दोस्तों? तो यह जो रहता है उसका पन्ना जो मतलब पत्र रहता है, जो पत्ता जो रहता है वो चना के जो पत्ता रहता है ना उसी के समान रहता है, और पुष्प जो रहता है वो भी उसी के प्रकार रहता है। और जो है इसके जो सभी पत्ते रहते हैं ना उसमें जो सम जो स्वर्ण रहता है उसके समान बिंदु होते हैं दोस्तों, यह उसका पहचान है। और जो यह इसका रस होता है वह पारत को जो है बंद करने वाले और योग शास्त्र के वर्णित फल देने वाले प्रसिद्ध रस है दोस्तों। और शुक्ल पक्ष के दिन शुभ दिन में उस औषध को लेकर के आपको सूक्ष्म रूप से चूर्ण बना लेना है, कड़वी तुम्बी में आपको इसे रखना है, ठीक है। और जो है पथ्य का जो है भक्षण करते हुए शुभ दिन से एक कर से प्रमाण में मधु और घी के साथ सेवन करना है, और पिपरी चूर्ण और दूध से अन्न का आपको इसे भक्षण करना है। इस प्रकार से आप अगर आप 6 माह तक प्रयोग करते हैं दोस्तों तो जो मनुष्य है वह वज्र के समान देह वाला हो जाता है। और इसके पंचांग का भक्षण करते हो तो मनुष्य जो रहता है वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है, ठीक है। और जो है विडाल पद एक कर्ष के प्रमाण में प्रतिदिन जो भी मनुष्य सेवन करता है उसको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है और दिन प्रतिदिन उसकी आयु बढ़ती रहती है दोस्तों। और पान करने और लेपन करने से जो इसका चूर्ण है उसे विष्ट जो विष रहता है, जो जहर रहता है शरीर में, वह नष्ट हो जाता है, ठीक है। रुदंती के दोस्तों जो पंचांग है इसको ग्रहण करके चूर्ण बना लेना है। और मनुष्य जैसे कोई भी मनुष्य जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे कि प्रातःकाल उठ करके मधु और घी से इसका भक्षण करता है तो उसकी अग्नि दीप्ति होती है दोस्तों, वह आम से मुक्त होता है और प्रतिदिन अधिक अन्न भक्षण करता है और अन्न के सभी जो रोग है उसे विनष्ट करते हैं। और जो है दोस्तों जो सभी साधक है उसमें मतलब रुदंती जो है उत्कृष्ट मानी जाती है दोस्तों। रुदंती के रस को लेकर के पारस से आपको भावित करना है और उससे ताम्र के पन्नों को लिप्त करना है और 100 गजफुट में फूंक देना है। इससे क्या है दोस्तों जो सुंदर कांति वाला आयतवर्णम स्वर्ण हो जाता है। रुदंती के रस से दोस्तों स्वर्ण और अभ्रक का मर्दन करें, फिर ताम्र और पारस से मतलब पारद उसमें डाल करके उसे बार बार फिर से मर्दन करना है, फिर 100 गजफुट के गुणों से श्रेष्ठ जो है स्वर्ण हो जाते हैं दोस्तों। खरल के मध्य में दोस्तों रुदंती का रस और पारद एक साथ घाटे मतलब इसे मिलाना है, इसी में स्वर्ण के सूक्ष्म खंड डाल देना है और उसे कांच की कुप्पी में भर करके मुंह में बंद कर देना है तो, और नीचे से उसे खूब तेज आँच देना है तो दो दिन तक इस जैसे कि प्रकार मतलब इसी प्रकार से आपको आँच देते रहना है। आँच दे करके बाद में उस पात्र से औसत को आपको ग्रहण करना है। इससे मनुष्य जो है बिजोरा नींबू के रस से 1 माह तक इसे आपको भक्षण करना है, इसे खाना है, ठीक है। तो जो है इसे जो सभी जो प्रकार की धातु है वह बढ़ती है दोस्तों, प्रतिदिन बल की प्राप्ति होती है और निरोग होकर मनुष्य से लंबी अवस्था पा करके सुखी होता है। कांस्य पात्र में दोस्तों उसका रस मतलब ग्रहण करके पान करने से मनुष्य जब सभी व्याधि से मुक्त होकर के दुर्घ मतलब दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। रस और नाग मतलब रस मतलब कि पारद और सीसा के समान भाग में लेकर के स्वर्णमासिक मनशिला गंधक तालक को पीस करके मतलब गंधक के बाद तालक मतलब हड़ताल को पीस करके गौमूत्र में आपको छोड़ देना है। फिर रुदंती के रस से 3 घटी मतलब 1 घंटा 12 मिनट तक इसे घोटते रहना है। उसी से विद्वान मनुष्य ताम्र के पतले पन्नों को लिप्त करना है और मूसा से रख करके खदीर की आँच देना है। निर्विघ्न दोष रहित स्वर्ण मतलब जो है इसे स्वर्ण की प्राप्ति होती है जैसे आँच देने से। और रुदंती की जो नस्य है दोस्तों पान और लेपन से मतलब कि जंगम तथा स्थावर सभी प्रकार के विष उपविष हमेशा के लिए निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं दोस्तों।